तो दोस्तों, क्या आपको ऐसा लॉक स्क्रीन ऐप चाहिए जिसका हर एक मिनट में पासवर्ड चेंज होता रहे और उसका पिन सिर्फ आपको मालूम हो, और दोस्तों फोटो और वीडियो भी छुपाना चाहते हो? प्लस मैं आपको एक ऐसे ऐप के बारे में बताऊंगा जहाँ पे आपको लर्निंग के रिलेटेड ढेर सारे आर्टिकल मिलेंगे। तो इसी तरह इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे ऐप के बारे में बताऊंगा जिसे आपको जरूर ट्राई करना चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। टेक्निकल बनता है तो टेक्निक बनता है। तो दोस्तों, अगर आप एक ऐसे प्लेस पर हो जहाँ पे बहुत ज़्यादा डार्क है, मतलब बहुत ज़्यादा अंधेरा है, और ऐसे समय पर आप किसी से भी वीडियो कॉल पे बात करते हो या दोस्तों सेल्फी लेते हो, तो आपको पता है आपका जो फेस है वो क्लियर शो नहीं होता। तो ऐसे समय पर आपको स्क्रीन फ्लैशलाइट एप्लीकेशन बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होगी। तो दोस्तों, इस एप्लीकेशन में आपको एक व्हाइट बोर्ड का लेयर ऐड करने का ऑप्शन मिल जाता है। इसे ऐड करने की वजह से आपके जो स्क्रीन पर एक फ्लैशलाइट का ऐड हो जाता है। तो इसे दोस्तों आप फ्लैशलाइट की तरह वर्क कर सकते हो, और इसमें दोस्तों आप इसे ब्राइटनेस को कम ज़्यादा कर सकते हो। प्लस इसमें आप इसके कलर के भी चेंज कर सकते हो। बहुत ही सही एप्लीकेशन है, बहुत ज़्यादा इसमें फीचर भी देखने को मिल जाते हैं। साथ ही दोस्तों, इसके जो साइज़ को भी आप इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो, और अपने हिसाब से इसे कहीं पे भी एडजस्ट कर सकते हो। तो बहुत ही सही ऐप है, इस ऐप को इंस्टॉल करके ज़रूर ट्राई करें। तो अभी हम देखेंगे एक एडिटिंग एप्लीकेशन के बारे में। इसका नाम है इजी कट। ये जो ऐप है आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा। बहुत ही सही ऐप है। इस ऐप में आप फोटो एडिटिंग कर सकते हो। फोटो एडिटिंग के साथ आप वीडियो एडिटिंग भी कर सकते हो। इस ऐप में आपको टेम्पलेट देखने को मिल जाते हैं। उस टेम्पलेट पर क्लिक करके अपने फोटो को आप बहुत ही अच्छे तरीके से वीडियो एडिटिंग कर सकते हो। इस ऐप में आपको अलग अलग सोशल मीडिया के अकॉर्डिंग टेम्पलेट देखने को मिल जाते हैं। लास्ट में एक सेक्शन होता है ट्यूटोरियल, उस पर क्लिक करने के बाद आप इस ऐप को किस तरह यूज़ करें तो उसके आप ट्यूटोरियल देख सकते हो। इसमें आपको स्टिकर का भी फीचर देखने को मिल जाते हैं। इससे ढेर सारे फीचर है। इस ऐप में आप जैसे आपको फोटो एडिटिंग करते हो तो आपको फोटो एडिटिंग के रिलेटेड इतने सारे फीचर मिलेंगे, जिस फीचर के लिए आपको किसी और एप्लीकेशन की जरूरत नहीं है। इसमें आपको अलग अलग फिल्टर भी देखने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों, तो इस ऐप को आपको जरूर ट्राई करना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप एक स्मार्ट पर्सन हो या क्यूरियोसिटी पर्सन हो और आप बहुत ज़्यादा लर्निंग करते हो, तो मैं आपको बताऊंगा रिफाइंड एप्लीकेशन के बारे में। इस ऐप में आपको लर्निंग के रिलेटेड ही आर्टिकल मिलेंगे। इस ऐप को इंस्टॉल करने के बाद दोस्तों, इसके इंटरफेस में आपको कैटेगरी पूछे जाते हैं। उस कैटेगरी को सिलेक्ट करने के बाद आपको उसी कैटेगरी के रिलेटेड डेली कुछ ना कुछ आर्टिकल शो किए जाते हैं। इन आर्टिकल को रीड करके दोस्तों आप थोड़ा इंस्पिरेशन ले सकते हो और अपने माइंड को स्मार्ट कर सकते हो। इसमें आपको ऐसे ढेर सारे आर्टिकल मिल जाते हैं, और डेली आर्टिकल में दोस्तों अगर आपने कल वाला कुछ आर्टिकल पढ़ा है तो उसे भी आप एक्सेस कर सकते हो। और दोस्तों, ये जो एप्लीकेशन है ये ऑनलाइन एप्लीकेशन है, ऑफलाइन एप्लीकेशन नहीं है, क्योंकि दोस्तों जो भी आर्टिकल है उसके ब्लॉग होते हैं, उस पर क्लिक करने के बाद आप उस ब्लॉग पे चले जाते हो। अगर दोस्तों आपको आपके मन में कुछ क्वेरीज है या आपको कुछ क्वेश्चन पूछना है, तो इस एप्लीकेशन में लास्ट वाले सेक्शन में आपको कुछ क्वेश्चन मिल जाते हैं जिसे रीड करके इस ऐप के बारे में डिटेल में पता चल जाएगा। तो बहुत ही सही ऐप है, इस ऐप को इंस्टॉल करके ज़रूर ट्राई करें। तो दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन। इस ऐप का नाम है कॉपी बबल। इस ऐप की हेल्प की वजह से हम बहुत सारे टेस्ट को कॉपी करके एक प्लेस में रख सकते हैं, और उसके साथ एक बबल टाइप स्क्रीन पे आता है जहाँ पे कॉपी किए हुए टेस्ट को सेव रहते हैं। तो देखते हैं इस ऐप को किस तरह यूज़ करना है। तो जिस भी टेस्ट को कॉपी करके सेव करना है, तो सबसे पहले उस टेस्ट को लॉन्ग प्रेस करके कॉपी कर ले, फिर उसके बाद बबल पर क्लिक करें। इस प्रोसेस के बाद टेस्ट बबल में सेव हो जाते हैं। इस कॉपी की बबल के एक और खास बात है, आपने कॉपी किए हुए टेस्ट को बाद में एडिट भी कर सकते हो, टेस्ट को ऐड करना और टेस्ट को कट भी कर सकते हो, और दोस्तों आप चाहे तो उसे शेयर या डिलीट भी कर सकते हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है जो डेली लाइफ में यूज होने वाला ऐप है। तो इस ऐप को दोस्तों जरूर ट्राई करें। तो दोस्तों, देखते हैं अल्ट्रा लॉक ऐप के बारे में। ये जो ऐप है लॉक स्क्रीन के मामले में बहुत ही सही ऐप है। साथ ही दोस्तों, इस ऐप में आप फोटोज और वीडियो भी छुपा सकते हो। इस ऐप का जो लुक है वो बहुत ही सिंपल सा है। इसमें आप जैसे सेटिंग में जाते हो तो आपको एक ऑप्शन मिलता है दोस्तों, वो है पिन का। पिन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आप अपने हावर्स या मिनट को अपने पिन सिलेक्ट कर सकते हो, या दोस्तों डेट और मंथ। इसी तरह के दोस्तों आपको ढेर सारे पिन के टाइप मिल जाते हैं, जिसके दोस्तों किसी को पता नहीं चलेगा कि आपके जो फ़ोन का पिन है वो क्या है। और दोस्तों, इस ऐप में आपको ढेर सारे कस्टमाइजेशन के रिलेटेड ऑप्शन भी मिल जाते हैं। प्लस इसमें कुछ ऐसे सेटिंग है जिसको आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए। बहुत ही सही ऐप है दोस्तों, इस ऐप को आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए।